चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर वीकेंड स्पेशल मैच का। तो इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कवर कर लिए, अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, आज से पहले आप लोग पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय, हिंदी में बोलते हैं इसको। शेषफल आप सभी जानते होंगे, किसी में किसी से भाग देते हैं किसी नंबर से तो कुछ नंबर बच जाती है, वही हमारी शेषफल होती है। अब पॉइंट ये आता है कि ये शेषफल रिमाइंडर यानी हमारा पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे ये पॉजिटिव होता है, नहीं, रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम लोग एग्जाम देते हैं एग्जामिनर हमसे चाहता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अभी इसको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको आपको क्वेश्चन में फ्रेम करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं 37 लिखा हुआ है, इसमें हम लोग करते हैं 5 से डिवाइड, सिंपल सी बात है। तो 5 से हम लोगों ने अगर किया डिवाइड तो हम लोगों को मिलता है रिमाइंडर कितना, भाई 5 से गया 35 चला गया, खत्म हो गया, उसी के रिमाइंडर बच गया 2 बच गया, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 2 रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग करेंगे 5 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, तो 40 में 37 कितना कम है, तो ये हो गया हमारे पास -3। तो रिमाइंडर हमारा +2 और -3 दोनों हो सकता है, नहीं समझे। चलिए एक और क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। इस बार लिखा हुआ है 47/6, चलिए इसको करिए। तो अगर इसको करेंगे तो 6 7 42, 6 8 48, तो 48 जाएगा, तो एक बार आएगा माइनस का 1 और 6 7 42 यानी कि प्लस का 5, ठीक है। यहां से दो चीजें समझ में आती हैं कि ये जो रिमाइंडर निकल के आया है 3 और 2, इसका टोटल जो होता है वो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है हमारे पास उसके बराबर होता है, ठीक है। आप ये प्लस माइनस मत देखिएगा, सिर्फ नंबर का टोटल बता रहा हूं मैं, तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि आप 3/5 लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, माइनस का 2 और तो माइनस ये तो रिमाइंडर ही हो गया 3/5। अगर इसको लिखते हैं 30/5 करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, 31 कर देते हैं तो ये हो गया 6 टाइम जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा तो प्लस 1 रिमाइंडर दे जाएगा, और ये 5 टाइम जाएगा तो माइनस का 4 रिमाइंडर दे जाएगा। तो इस 4 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, सिंपल सा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस। जैसे कि अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास 73 × 56 और डिवाइड में गया 7, और इसका हमें निकालना है रिमाइंडर कितना बचेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो या तो हम इस क्वेश्चन को करें सॉल्व, 73 × 56 का मल्टीप्लाई करें, उसमें करें 7 से डिवाइड, तो डिविजिबिलिटी में मैं आपको कवर करा चुका हूं, तो भी आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन क्या आप इस तरह से करने जाएंगे, नहीं करने जाएंगे, क्योंकि आपको ये टाइम ले जाएगा, ठीक है। फिर आप कुछ और करने लायक रहेंगे नहीं, बस ये समझ लीजिए। तो 7 से करेंगे आप 73 में भाग, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझा दूंगा कि 7 से करेंगे आप 73 में भाग, इस बार से प्लस का रिमाइंडर लेके चलते हैं। तो 7 से क्या 73 में भाग कितना हो गया 70, और आपके पास बच जाएगा 3 रिमाइंडर, तो यहां से आपके पास बच गया प्लस का 3 रिमाइंडर, ठीक है। आपको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, पूरा उड़ गया खत्म हो गया उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, क्योंकि आप रिमाइंडर निकाल रहे हैं। इस बार करेंगे 7 से 8 बार मल्टीप्लाई, 56, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपके पास यहां कुछ नहीं आएगा। इसकी मैं सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन में 9 है, तभी मैं सोचा था कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसको देखिए, अभी क्वेश्चन हमारे पास ये है 73 × 56 है, तो आप 9 8 72 और यहाँ पर आया प्लस 1, ठीक है, 9 6 54 और यहाँ पर आ गया प्लस 2, तो आपके पास प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया। तो यहां से बचा है प्लस का 2, यहां से बचा है प्लस का 1, बीच में लगा है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 और अकाउंट में आ गया 9, तो ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका आ गया 2 आंसर में, ठीक, नहीं समझ में आया। अब की करते हैं हम लोग माइनस वाले से, अब आप पूछेंगे कि प्लस वाले से कर दिया, माइनस वाले से करके दिखाइए, चलिए माइनस वाले से करके देखते हैं। 73 × 56 अकाउंट में गया 9, ठीक, 9 8 72, 9 9 81, यानी कि ये बचा यहाँ पर माइनस का 8 रिमाइंडर, 9 6 54, 9 7 63, यहाँ बचा माइनस का 7 रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या बचा है 8 और 7, तो इसका क्या करना है, 8 बचा 7 बचा, इसका क्या करना है, पीछे मल्टीप्लाई लगा है,
तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया और बचा का 56, 8 × 56 डिवाइड बाय 9। अब देख लीजिए, अगर यहाँ न्यूमरेटर पे आई हुई वैल्यू आप लोग जानते होंगे, न्यूमरेटर पे आई वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो आप उसको फिर डिवाइड करेंगे, जब तक न्यूमरेटर वाली वैल्यू छोटी नहीं हो जाती डिनोमिनेटर से तब तक वो आपका रिमाइंडर नहीं देगा। तो 9 से काटा 9 × 56 और 6 बार कट गया, यहाँ से बच गया प्लस का 2, यानी कि आप यहाँ से वैल्यू आ गई, रिमाइंडर आ गया यहाँ से 2, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 2। ठीक, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसमें हम लोग एक बार प्लस कर लेते हैं एक बार माइनस कर लेते हैं तब आएगा, और जी यही सही रीजन है, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, आपको प्लस और माइनस लेके नहीं जाना है, आपको जो आसान लगे, किसी टर्म में प्लस लग सकता है किसी टर्म में माइनस लगता है, तो वही आपको करना है। जैसे कि 9 × 8 = 72, 72 यहाँ दिया, यहाँ हमको प्लस 1 ज्यादा इजी लगा, 9 × 54 यहाँ से हमको वो भी अच्छा लगे, करके देखते 9 × 70 = 63 और 4 × 3 = 7 यानी कि -7। ठीक है, प्लस भी ले लिया माइनस भी ले लिया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई करा, आंसर आया -7 अपॉन में आया 9। आप कहेंगे यहाँ तो -7 आ गया। ठीक है, और आपने कहा था रिमाइंडर भी माइनस होता है, मैंने कहा था रिमाइंडर माइनस होता है। ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर पूछेगा, जो आपके सामने क्वेश्चन सेट करेगा, ऑप्शन देगा, उसमें वो रिमाइंडर माइनस वाला नहीं देगा, उसको हमेशा चाहिए पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आप कैसे देंगे, आपके पास तो -7 आया, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से ऊपर वाली वैल्यू को, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को कर देंगे माइनस। कैसे, तो 9 और ये माइनस लगा ही हुआ है, माइनस कर देंगे 7, तो रिमाइंडर फाइनली यहां से आपका आ गया 2। ठीक है, तो देख लीजिए तीनों जगह से आपका आंसर सेम टू सेम आया, रिमाइंडर 2। तो इस चीज से आपको पता चल गया होगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करने है। बाकी मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए रेस करते हैं और क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास 37 प्लस का 66 प्लस का 52 प्लस का 27 प्लस का 36, और ये सब डिविजिबल में है किसके, 5 के। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 61 इंटू 77 इंटू 47 इंटू 92 डिवाइड में गया 15। अगेन लिखते हैं 192 इंटू 37 इंटू 1953 इंटू 1956 और ये सबके डिवाइड में है 19। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 5 से डिवाइड करना शुरू करिए, 5 से गया 35, 35 चला गया, यहां से रिमाइंडर आ गया आपके पास प्लस का 2, बस यही रिमाइंडर हम लोग लिखते चलेंगे। 5 से गया 66 में तो यहाँ से बचेगा प्लस का 1, 5 से गया ये गया प्लस का 2 बचा, प्लस का यहाँ गया 55, यहाँ से प्लस का 2 बचा, 5 से गया 55 प्लस का 1 बचा, सब प्लस प्लस हमें पास 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 पड़ रहे, तो हम लोग प्लस वाले लेंगे। अब क्या बीच में प्लस लगा रहा है, सबको ऐड कर दीजिए, 2 और 1 = 3, 2 = 5, 2 = 7 और 1 = 8, तो टोटल आ गया 8, लेकिन अभी डिवाइड में 5 है। अब देखिए न्यूमरेटर वाली वैल्यू अभी डिनोमिनेटर से बढ़ी है, तो अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अगेन डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर अब आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 3। ठीक है, 5 × 5 = 3 बच जाएगा, 3/5 आ गया, तो 3 हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 15 × 2 = 60 प्लस का 1 बचा 75, यहाँ से प्लस का 2 आया, यहाँ से किया 15 × 45 यानी कि प्लस का 2 आया, 15 × 2 प्लस का 2 आया, इस बार 2 आया। ठीक है, लेकिन इस बार बीच में लगा है मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आया। अब देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है तो आपका रिमाइंडर वही नंबर हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। ठीक है, लास्ट वाला आते हैं, 19 से 192 में भाग देंगे तो बचेगा
प्लस का टू। अब आपका इन प्लस 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 वाले करा रहे, माइनस वाले क्यों नहीं करा रहे, देख लीजिए। आपकी 19 दूना 38, 38 हमको पास पड़ते हैं, माइनस वाले रिमाइंडर हमको पास पड़ रहा है, तो हमने यहाँ पर माइनस का 1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ से भाग देंगे 19 से कम 19 57, यानी कि यहाँ से हमको माइनस वाला पास पड़ा तो माइनस का 4 लिख लिया। अगेन यहाँ से किया तो यहाँ से माइनस का 1, हमको इस बार माइनस वाला पास पड़ा, हमने माइनस वाला लिख लिया क्योंकि सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ 19 से 38 तो यहाँ बचता जाके 15 प्लस का 15, तो हमने बेटर था माइनस का 4 लिख लिया। अब बस मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का बस मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। तो देखिए 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, 8 का मतलब यानी कि हमको वैल्यू तो 8 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके, लेकिन माइनस हमारे पास 3 है, ठीक है, और प्लस 1 है, तो कैसे करेंगे इसको भाई, माइनस 3 है तो वैल्यू हमारी जो होगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि अगर वैल्यू 2 मतलब माइनस, तो माइनस 2 बार माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, लेकिन माइनस यहाँ है, और जब ऊपर माइनस आएगा तो हमने बताया था इसमें इसको माइनस करके निकालेंगे तो रिमाइंडर 19 में से 8 खत्म और 11 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, पसंद आया हो तो इसको करिए लाइक और साथ में करिए सब्सक्राइब, ठीक है, और इसको करिए आप लोग फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, चलिए थोड़े से क्वेश्चन और इसके देख लेते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के और टॉप लेवल के क्वेश्चन। ये चीज अगर आप समझ गए होंगे तो इसमें करेंगे हम लोग थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, और अब की हम लोग का रखा है 68 की पावर अगर 88 है और उसको डिवाइड में रखा है हम लोग ने 67। ठीक है, नेक्स्ट रखा हम लोग ने 18 की पावर 15 और प्लस का 4 डिवाइड हो गया 17। 45 की पावर 90 माइनस का 9 डिवाइड हो गया 34। 43 की पावर 45 प्लस का 5 डिवाइड हो गया 44। ठीक है, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब इन ये वाले क्वेश्चन का क्या धर्म है, क्या टाइप होता है, उस पर बात करते हैं कि क्वेश्चन होते कैसे सॉल्व है। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होते हैं कि आपको देखिए न्यूमरेटर पे जो सॉरी डिनोमिनेटर पे जो वैल्यू दिख रही है वो न्यूमरेटर के पास पास दिख रही है। पहला क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं, न्यूमरेटर के पास दिख रही है। ठीक है, तो ये अगर मैं वैल्यू कुछ इस तरह से बनाऊं, कुछ इस तरह से इसको लिखूं 67 प्लस 1, एक क्वेश्चन बता देता हूँ बाकी फिर सब पे वही अप्लाई होगा, आप ध्यान समझिएगा ये। ठीक है, और ये डिवाइड में लिखा हुआ है 67। अब ये कुछ पहले वाले सवाल की तरह हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम 67 से 67 में डिवाइड कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें जो ये तो हम रिमाइंडर देगा नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि वन टाइम चला जाएगा, लेकिन हमको रिमाइंडर नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, अब भाई 67 है, आपके 88 टाइम्स है तो 67 आप 88 टाइम्स लिखिए और 67 सब में डिवाइड करिए, रिमाइंडर कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो रिमाइंडर आपको कहां से मिलेगा, सिर्फ इससे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 67 खत्म हो गया, क्वेश्चन आपका आ गया प्लस 1 की पावर 88, सिर्फ इतना बचा है, ये आपका सिर्फ क्वेश्चन रहेगा प्लस 1 की पावर 88 और ऊपर रह गया 67। ठीक है, अब आपको बताया कि हम लोग यूनिट प्लेस पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो अगर आपने 1 देखा है तो 1 की पावर कुछ भी होगी आपको रिमाइंडर देगा सिर्फ 1, तो यही आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है, नहीं समझे, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं उसमें समझने को। 18 की पावर 15 वाला है तो ये कुछ इस तरह से लिखा होगा 17 प्लस 1 की पावर 15, ये हो गया प्लस का 4, ये हो गया डिवाइड में 17। ठीक है, 17 खत्म, यहां से 1 की पावर 15 बचेगा सिर्फ, 1 की पावर 15 ये प्लस का 4, ये बचा 17। तो 1 की पावर 15, 1 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर देगा 1, प्लस का 4 और डिवाइड में आएगा 17, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ से आ गया 5, 4 प्लस 1 5 होता है। यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो भाई मैं इस बार सीधे सीधे कर रहा हूँ, यहाँ 1 ही बचेगा, प्लस 1 बचेगा, बस आपको ये प्लस 1 और माइनस 1 का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब जगह प्लस 1 आया, यहाँ पर देखिए प्लस 1 आएगा, तो ये बचेगा 1 की पावर 19 और माइनस का 9 डिवाइड हो गया 44। ठीक है,
अब 1 की पावर 19 1 ही देगा और 1 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। और फिर मैंने अभी आपको बताया कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 44 में से 8 माइनस करोगे यानी रिमाइंडर आपका आएगा 4 4 36, तो रिमाइंडर आपका आएगा 36। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, इस पर देखिए देखिए माइनस 1 लिखा हुआ है, बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, इस पर माइनस 1 की पावर 45 आएगी क्योंकि 44 माइनस 1 होगा यहाँ पर और प्लस का 5 डिवाइड में गया 44। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ माइनस 1 की पावर इवन नहीं है, ऑड है, और ऑड में हमेशा ये देगा हमको वैल्यू माइनस 1 ही, बस आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऑड होगा तो माइनस 1 ही देगा और प्लस सॉरी इवन होगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब ये बचा 5 और ये बचा 44, अब आप कर लेंगे 5 और माइनस 1 यानी कि 4, ये करेंगे ना सॉल्व तो 4/44 होगा यानी कि रिमाइंडर आपको यहां से देगा 4। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके और अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और